दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। नागपुर में 100 मरीजों का आंकड़ा पूरा हो चुका है, लेकिन एसटी बस स्टैंड पर ना ही सामाजिक दूरी रखी जा रही है, ना ही कोई कोरोना की जांच। ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति का जायजा लिया है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। देखिए ये रिपोर्ट। मार्च 2020 के बाद पहली, दूसरी और जनवरी 2022 में आई तीसरी लहर के बाद कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते कुछ दिनों से नागपुर और राज्य सहित देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। स्थानीय प्रशासन से भी विमानतल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना के मरीजों पर पैनी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन सब के बीच जो तस्वीरें महाराष्ट्र टीवी 24 आपको दिखा रहा है, यह तस्वीर है नागपुर के एसटी बस स्टैंड की, जहां का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि देश में कोरोना का सफाया हो गया है। एक और कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े स्वास्थ्य महकमे का सिर का दर्द बन चुके हैं, तो वहीं यह तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि एसटी प्रशासन कोरोना को फैलाने में मदद कर रहा है। एसटी बस विभाग द्वारा न ही सामाजिक दूरी की अपील की जा रही है, न ही कोरोना से बचाव के उपाय, जिससे ऐसे लगता है कि कोरोना महामारी है या नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि नागपुर में आज 34 कोरोना के मरीज मिले हैं। आपको बता दें, कुल मिलाकर मरीजों का आंकड़ा शतक तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन अब भी कोरोना को लेकर सुस्त दिखाई दे रहा है। यही नहीं, एसटी बस स्टैंड पर प्रशासन द्वारा नल केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन नलों में पानी कोसों दूर है, जिसका फायदा निजी पानी बोतल बेचने वाले उठा रहे हैं। 10 रुपए की पानी बोतल अवैध रूप से 20 रुपयों में बेची जा रही है, लेकिन एसटी कार्रवाई करने से बच रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि एसटी अधिकारियों को अवैध वेंडरों से मलाई मिलती है। वहीं बंद पड़े पंखों को देखकर ऐसा लगता है कि यह पंखे बिजली से नहीं बल्कि बिजली बिल में शुरू रहते हैं, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मूल शहर नागपुर, जहाँ एसटी बस स्टैंड अपनी बदहाली पर इन दिनों आंसू बहाने पर मजबूर है। बहरहाल देखना यह होगा कि एसटी कोरोना को लेकर यात्रियों में जागरूकता कब फैलाएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NADP सैंक्शन्ड। हमारा पता, प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712-2295-365 और 7447-443370 and 7745-042520।